हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मीना चौधरी फूड में, और आप सबका प्यार भरा नमस्ते। और मेरा नाम है मीना चौधरी, और आप सब कैसे हो गाइस? आई होप ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आज जा रही हूँ किसका रेसिपी बनाने को, हमारा नेपाल का रेसिपी सेल रोटी। मैं अभी आपको दिखाऊंगी उसका रेसिपी, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा गाइस। वीडियो में बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे सेल रोटी का रेसिपी। ओके गाइस, तो गाइस मैंने छोटा टब में पानी लिया है, उसमें डालूंगी थोड़ा नमक और चावल का आटा और थोड़ा मैदा करके मिक्स करके। देखिए गाइस, रेडी हो चुका है। इसको मैं आधा घंटा के लिए फ्रिज में रखूंगी, तब तक के लिए मैं बाहर आग जलाऊंगी और मैं बाहर बनाऊंगी आज सेल रोटी, और बाहर बना के दिखाऊंगी आपको कैसा लगेगा सेल रोटी। देखते जाइए गाइस वीडियो, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी प्यारा सा छोटा कमेंट करिएगा। तो गाइस मैं आग जला रही हूँ, और आग जलाने तो गाइस हमारा आग बाहर जल के भी रेडी हो चुका है। तो मैंने आधा घंटा के बाद बाहर निकाला है आटा, उसको मैं अच्छी तरीके से हिलाऊंगी। फिर भी बाहर निकालने के बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ता है गाइस, और मिक्स करने के बाद मैं सेल रोटी बनाऊंगी। तो गाइस देखिए हमारा सेल रोटी यम्मी यम्मी कैसा दिख रहा है गाइस, बोलिएगा कमेंट में ज़रूर। मुझे सेल रोटी बनाने में तो नहीं आता है, इसको इतना आसान भी नहीं है बनाने को। और मेरा मम्मी ना, हमारा नेपाल में बहुत लोग बनाते हैं ऐसा चाड़ बार में, जैसा दिवाली में, दशहरा में, ऐसा ऐसा में बना के खाते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी होता है गाइस, ज़्यादा शक्कर भी नहीं होता है उसमें, कम शक्कर डालने का, और इतना सॉफ्ट होता है खाने में भी। मुझे तो नहीं आता था, पर मेरा मम्मी बनाती है ना, उसको देख देख के मैंने सीखा है बनाने के लिए। तो गाइस रेडी हो गया, देखिए कैसा दिख रहा है सेल रोटी।